हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग नट्टू चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन, उसके बारे में देखते हैं क्या है, क्या क्या इसमें आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या है कि इन इंडिया द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM एज स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश इन 1971 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सब मिलके आयुष बनते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर हायर एजुकेशन इन एरिया ऑफ इंडिया मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा यूनानी एंड सिद्धा। भारत में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक, ये सबको मिला के आयुष बोलते हैं। इस विभाग के तहत केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद 1971 में स्थापित हुई और ये उच्च निगरानी करती है यूनानी और सिद्ध के एरिया में सहित भारतीय चिकित्सकों के क्षेत्र में। ये हमारा हो गया कि जो भी CCIM बना हुआ है वो मान जो सिद्ध और यूनानी के क्षेत्र में अपने चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं तो एक बात करते हैं कि जो आयुर्वेद के अनुसार शरीर हमारा 5 तत्व और 3 दोषों से मिलकर बना है। स्वास्थ्य को निम्नलिखित तत्वों और दोषों की संतुलन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। 5 तत्व जिसे पंच महाभूत भी कहते हैं, ये पृथ्वी को दर्शाते हैं और जल अग्नि वायु 3 दोष वात पित्त कफ। तो उन्हीं में हम बात करते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आयुर्वेदा नेम 7 बेसिक टिश्यू विच आर, क्या क्या 7 हैं। तो एक प्रश्न आता है प्लाज्मा या रस धातु, ब्लड या रक्त धातु, मसल या मस्मा धातु, फैट या मेद धातु, बोन या अस्थि धातु। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, तो सबसे पहले बात करते हैं 3 दोष में, ये पहला दोष है। ये हमारा पहला दोष है 3 दोषों में क्या लिखा, ये वात है, वात जिसे एयर एलिमेंट भी कहते हैं। तो क्या है इसमें, इट इज कैरेक्टराइज बाई प्रॉपर्टी ऑफ ड्राई कोल्ड लाइट मिनट एंड मूवमेंट। यह शरीर लाइट ड्राई मिनट एंड मूवमेंट की विशेषता बताती है। ऑल मूवमेंट इन बॉडी इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ वात, शरीर में सभी गतिविधियाँ वात के गुण के कारण होती हैं। पेन इज द कैरेक्टराइज फीचर ऑफ डीरेंज वात, दर्द जो है विकृत वात का लक्षण है। सम ऑफ द डिजीज ड्यू टू वात आर वाइंडली ह्यूमर फ्लेक्चुएंस एंड गाउट रोमेटिज्म, वात के कारण होने वाले कुछ रोग वायुहास पेट फूलना या गठिया जैसी बीमारी शामिल होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम
बात करते हैं पित्त की। पित्त हमारा दूसरा नंबर पे आता है। तो देखते हैं कि हमारा पित्त में क्या क्या दे रखा है। तो पित्त देखते हैं, इट इज द फेयरली एलिमेंट और बाइल दैट इज सीक्रेट बिटवीन स्टमक एंड बॉवल एंड फ्लो थ्रू द लीवर एंड परमिटिंग स्प्लीन हार्ट आई एंड स्किन। यह उग्र एलिमेंट होता है जिसे फेयरली एलिमेंट कहते हैं, जो पेट और आंतों के बीच निकलता है और लीवर से सीक्रेट होता है और स्प्लीन हार्ट आई स्किन में आ जाता है। इट इज कैरेक्टराइज बाई हॉटनेस मॉइस्ट लिक्विड शार्प एंड सोर। इसकी विशेषता है हॉटनेस मॉइस्ट लिक्विड शार्प या शार्प। इट इज द मेन क्वालिटी इज हीट। इसका मेन क्वालिटी हीट होता है। इट इज द एनर्जी प्रिंसिपल विच यूज बाइल टू डायरेक्ट डाइजेशन एंड इनहेंस मेटाबॉलिज्म। यह एनर्जी प्रिंसिपल है जो मेटाबॉलिज्म के लिए बाइल का उपयोग करता है और यह डाइजेशन में हेल्प करता है। इट इज द प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय बॉडी हीट एंड बर्निंग सेंसेशन और रेडनेस। यह मुख्य रूप से बॉडी की गर्मी या जलन या लालिमा रेडनेस को सेंसेशन की विशेषता होती है, तो इसे हम पित्त बोलते हैं, जो लीवर से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं कफ की। ये 3 नंबर का दोष है। इट इज वाटरली एलिमेंट। यह वाटर एलिमेंट होता है। इट इज कैरेक्टराइज बाई हैवीनेस कोल्ड टेंडरनेस सॉफ्टनेस स्लोनेस लुब्रिकेशन एंड कैरियर ऑफ रोटेशन। यह वाटर की तरह होता है, लिक्विड एलिमेंट। यह भारीपन होता है, कोल्ड टेंडरनेस कोमलता सॉफ्टनेस एंड स्लो लुब्रिकेशन और पोषक तत्व कैरियर होता है। इट इज नॉरिशमेंट एलिमेंट ऑफ द बॉडी। यह बॉडी को नॉरिशमेंट में पूरी भूमिका निभाता है। ऑल द टिश्यू ऑर्गन आर मेड बाई कप। जितने भी टिश्यू के ऑर्गन होते हैं वो कप से बनते हैं। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेस्ट परसेप्शन ज्वाइंट नॉरिशमेंट एंड लुब्रिकेशन। यह टेस्ट परसेप्शन एंड ज्वाइंट नॉरिशमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे कफ बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। क्या क्या प्रिंसिपल है आयुर्वेदा के, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा इज दैट ए बैलेंस बिटवीन पंच महाभूत सप्त धातु एंड त्रिदोष इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी इन द इम्बैलेंस बिटवीन दीज एलिमेंट फॉर डिजीज। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यह है कि शरीर के जो सामान्य शारीरिक कार्यों के लिए पंच महाभूत सप्त धातु और तीन दोषों के बीच संतुलन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर ये संतुलन हमारा सही नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो इन तत्वों के बीच असंतुलन होने लगेगा और संतुलन के कारण बीमारियां आने लगेंगी। आप सकते हैं कि ड्रग्स यूज इन आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा में कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं और वो कहां कहां से प्राप्त किए जाते हैं। आयुर्वेदिक ड्रग आर द नेचुरल ओरिजिन। यह जो है आयुर्वेद औषधि जो है ये नेचर से मिलता है, यह प्राकृतिक होता है, जिसमें शामिल हैं प्लांट मिनरल एनिमल एंड मिनरल। अब बात करते हैं प्लांट के बारे में। तो होल प्लांट आर दियर पार्ट, होल प्लांट आर दियर पार्ट सच एज अजवाइन सौंफ हल्दी बनसफा मुलेठी सेफ मुसली एंड इसबगोल एट्सेट्रा। क्या है कि पौधों में पूरे पौधे या उनके भाग जैसे अजवाइन सौंफ
हल्दी, बनसफ़ा, मुलेठी, सफ़ेद मुलसी, इसबगोल आदि हम पौधों से प्राप्त करते हैं, जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद में क्या होता है, सिंथेसिस जो मेडिसिन है केमिकल से नहीं बनाए जाते हैं, वो केवल पेड़ पौधों से ही निकाल के उनका उपयोग किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद जो है हमारे बॉडी को भी प्रॉब्लम में नहीं लाती है। अब बात करते हैं एनिमल एनिमल पार्ट एंड दियर प्रोडक्ट सच ए घी, मिल्क, बोन्स एक्सेट्रा। पशु के अंग और उनके उत्पाद जैसे घी हैं, दूध हैं, हड्डियां हैं, ये भी कभी कभी हमारा काम कर जाती हैं। जैसे एनिमल से हम बात करते हैं तो एनिमल से एनिमल के पैनक्रियाज में इंसुलिन होता है। वह जो इंसुलिन होता है वह ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। अगर बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो इंसुलिन उसे कंट्रोल करता है। अब आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आइदर एलोन या इन कॉम्बिनेशन सच एज सल्फर, कॉपर, आर्सेनिक, गोल्ड, आयरन। ऑल द अबव मेंशन आयुर्वेदिक ड्रग माइट टू बी गिवन एलोन या इन कॉम्बिनेशन। ये जो खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, या तो अकेले या कंबाइन करके दिए जाते हैं। सल्फर हो गया, तांबा, आर्सेनिक, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा, ये सभी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं या अकेले या कंबाइन में दी जाती है। और यह जो पंचकर्म चिकित्सा होती हैं आयुर्वेद का, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं आप पे पहले पहुँचे। धन्यवाद।